आप देखे होंगे या सुने होंगे गाना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, एकदम सेम वैसे इस मतलब बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल ये दिखाता है कि आपके जो अणु हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं उसके जो ध्रुवित ज्यामिति रचनाएं हैं वो क्या हो, पृथक पृथक होती जा रही हैं। और जब पृथक पृथक होगा तो क्या बनेगा, कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल बोल देते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, हीर और राजा, लैला मजनू, कोई मित्र से ना मारे मेरे दीवाने को। तो स्पेशली क्या है, वहां पे गर्ल्स यहाँ बॉयज है, अदरवाइज यहाँ गर्ल्स वहाँ बॉयज है, तो जो उनके बीच की जो लाइनिंग होती है यानी जो रेखाएं होती हैं, नैनों में नैना चार हो गया, ठीक है, आप कोई देख लिया, मम्मी पापा भाई अदरवाइज कोई भी रिलेटिव देख लिया, तो अब वो जो बन रहा था यानी जो दूरियां थी, अब वो जो है यानी एंगल बन रहा था, अब वो क्या हो गया, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं ना, पृथक होते जा रहे हैं। आज जब पृथक हो रहे हैं तब भी बेचारा देख रहा है, खींच ले जा रहा है लड़की को, तब वो ऐसे पीछे देख रहा है, लड़का को खींच रहा तब वो देख रहा है। तो वही बात है ना कि बंद जो बोला जा रहा है कौन वही होगा, यानी अणु के ध्रुवित जो ज्यामिति रचनाएं हैं उनके मध्य बनने वाला कोण ही हमारा क्या कहलाता है, बंद कोण कहलाता है, मध्य बनने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं 104.5 और यहाँ पे 107 एंगल और यहाँ पे 109.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री। तो ये चीज़ें हैं, बस इतना ध्यान रखें 105, 109 और 107, ये तीन चीजों की आप ले चलेंगे तो आसानी से बन जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर लीजिए अच्छा सा, अपना जो टारगेट लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लीजिए, चाहे लड़कियां हुए चाहे लड़के हुए, आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं। आइए जो लव सब वाला जो है हवा है, इन सबसे कोसों दूर रहिए। हाँ भाई, तभी आपके लिए बेटर पड़ेगा, हंसी मजाक बस उतना काफ़ी है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, योर फ्रेंड इज द सेइंग समथिंग, ओ हे लिसन लिसन, बस पेन नहीं रुकना चाहिए, सुन लीजिए बात करता हूँ, बहुत फर्क है उसमें, थोड़ा भी तुम भी कमेंट मार दो, लेकिन ऐसा भी कमेंट नहीं होना चाहिए जो अगला को हर्ट हो जाए। तो आप बेसिक से लगाए हायर तक पहुंचने का सबसे सरल सबसे अच्छा उपाय यह है कि मोर देन प्रैक्टिस होना आवश्यक है। आप किसी भी प्रकार का स्टडी कर लीजिए, स्मार्ट स्टडी, एक लोकल की तरह स्टडी, सब का मेन फंडा मेन मूल मंत्र वही होता है कि आप प्रैक्टिस, आप कुटिया में रह के झोपड़ी में रह के खुले वातावरण में रह के पढ़ाई कर सकते हैं, आप एसी में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, भगवान आपको जिस तरह से इन्वायरमेंट आपको मिल चुका है दे चुके हैं, ठीक है, तो उसमें आप एकदम खुशी मन से अपनी तैयारियां करते रहिए, कर्म अच्छे से करते रहिए, आगे आप जरूर निकलेंगे, ठीक है, तो सत्य आपके कर्म में बेईमानी नहीं होनी चाहिए।